रीढ़ के हड्डी में नीचे कमर के पास दर्द था जिसमें हम एस्ट्रॉइड का सुई लेते थे मेरे को डायबिटीज है पाँच साढ़े पाँच छह साल से बट मुझे एक जुनून था कि मुझे मेरी डायबिटीज को रिवर्स करना है इंसुलिन मेरी लग रही है अगर मैंने ये सुना है ये कैंप मेडिसिन फ्री कर देता है तो मुझे वहाँ जाना ही जाना है ट्रेन में बैठने का हमको ताकत नहीं था बोलने का ताकत नहीं था चलने का ताकत नहीं था ऐसा सोच के नहीं आई थी कि मेरा यहाँ आके हो ही जाएगा कुछ काम ऐसा क्या ये लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे मेडिसिन फ्री कर देते हैं लोगों को डायबिटीज थायराइड हार्ट अटैक जैसी बीमारियों तक के भी इलाज ये लोग कर रहे हैं नशा करते थे दारू पीते थे उससे भी नींद नहीं आता था लेकिन इसको फॉलो करने से हमको दो चार दिन आठ दिन के अंदर में ही गहरा नींद अचार विचार सारा चीज सही हो गया मैं सिद्धार्थ शंकर दुबे पलामू झारखंड का रहने वाला हूँ मेरा नाम आयुषी बंसल है मैं नोएडा सेक्टर 46 से आई हूँ मैं एक अवेकस टीचर ट्रेनर हूँ हम बहुत से चैलेंज से जूझ रहे थे जिसमें रीढ़ की हड्डी का दर्द जिसको सर्वाइकल सरवाइकल डिस्क कहते हैं ये सब हमको बरस से था मेरे को डायबिटीज है पाँच साढ़े पाँच छह साल से मेरे ब्रदर के फ्रेंड ने रिकमेंड किया था एक एनएलएस नाम का एक कैंप लगने जा रहा है यू शुड गो देयर इवन मेरे पास टाइम भी नहीं था चेक करने का कि क्या है एनएलएस क्या नहीं है बट मुझे एक जुनून था कि मुझे मेरी डायबिटीज को रिवर्स करना है इंसुलिन मेरी लग रही है अगर मैंने ये सुना है ये कैंप मेडिसिन फ्री कर देता है तो मुझे वहाँ जाना ही जाना है कोरोना काल में गुरु मोहन गुप्ता जी क्वेश्चन से सब देख करके के हम फॉलो उनको करने लगे हमारा सिर में बाल आ गया छोटा छोटा आँख पर चश्मा था उतर गया दांत मजबूत हो गया कान से अपने मैल गंदगी निकलने लगा कब्ज खत्म बाबा सिर खत्म इंसुलस पे मैं चल रही थी छह यूनिट की इंसुलिन मैं डेली ले रही हूँ तीन महीने हो गए हैं मुझे लेते हुए यहाँ आके मैंने एक दिन इंसुलिन लगाई है सेकंड डे से मैं नो इंसुलिन पे चल रही हूँ डायबिटीज मेरी इंसुलिन छोड़ने के बाद फर्स्ट डे सेम थी जो मेरी इंसुलिन लेके आती थी आज लोअर साइड है मैंने लंच करने से पहले चेक किया मेरी प्री लंच डायबिटीज इज ओनली सेवेंटी सिक्स जो की शायद ही कभी आती है खाना ही औषधि है गुरु का बात शास्त्र सम्मत विज्ञान सम्मत दोनों लगा या तो अपने भोजन को दवाइयां बना लो या दवाइयों को भोजन बना लो आज के दिन जो दुनिया में चल रहा है, क्या चल रहा 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 है है क्या हर एक इंसान इतना बड़ा बड़ा दवाई का डब्बा लेके घूम है दस गोलियां पेट पेट में गई मेरा पेट भर गया खाना खाने की इच्छा नहीं है है तो क्या कर रहा है, वो आज किस सिचुएशन पे आ चुका है वो आज यहाँ सेंड करता है कि उसकी जो दवाइयां हैं वो उसका खाना बन चुकी है बट यहाँ बिल्कुल उल्टा करा रहे हैं ये लोग ये कह रहे हैं खाने को खाओ वो तुम्हारा दवाई का काम करेगा दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं बिना दवाई लिए हमारी बीमारियां ठीक हो रही है और क्या चाहिए इससे ज़्यादा हमें किसान आदमी सोच विचार करके पीजीआई तक हम इलाज कराए थे रीढ़ के हड्डी के दर्द का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया और ऑपरेशन करने के लिए भी बोले जे दर्द जाएगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है लेकिन भोजन ही औषधि है इसी सिद्धांत और विश्वास पर हम उनका पेठा जूस नारियल पानी खीरा टमाटर का सलाद कद्दू तोरे का सब्जी खा करके ही और प्राणायाम धूप स्नान स्पाइनल करके सारा बीमारी दूर कर दिए मेरी एक्सपेक्टेशन है दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जो इस ज्ञान को ना सुने करे या ना करे वो टोटली डिपेंड्स ऑन देम बट एक बार आके चार दिन इस मनसे की हम सुन के तो आए ऐसा क्या डिलीवर कर रहे हैं ये लोग इस श्रद्धा से एक बार जरूर यहां पे आने चाहिए एक बार जरूर उनको ये मोटिवेशनल लेक्चर सुनना चाहिए उसके बाद तो डिलीवर करने वाले भी पूरी दुनिया बैठी है डॉक्टर्स भी दवाई देने वाले बैठे हैं आयुर्वेदिक एलोपैथिक होम्योपैथिक हर तरीके की चीजें डिलीवर हो रही हैं इट्स देयर कॉल कि उनको किस साइड मूव ऑन करना है एक बार सुने तो सही आए तो सही कोई फोर्स तो नहीं हो रहा उनके साथ कोई घर जाके उनको कॉल करके नहीं पूछ रहे आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो उनके अंदर से अगर ये आए हमें बर्गर खाना है तो खाएं अगर उनको समझ आती है यहाँ के साइंस तो वो अपने आप ही नहीं खाएंगे अगर हम इसकी कॉस्टिंग पे भी बात करने लग जाएं कैंप की जो हम पे कर रहे हैं उसके बारे में उस अमाउंट को ज़्यादा बोलना बेकार बात होगी क्योंकि हम जो इधर पे कर रहे हैं उतना तो हम पता नहीं इस कैंप के थ्रू मतलब मैं चार दिन के कैंप के बाद कल घर जाने वाली हूँ कितना मैं बचा लूँगी आज मैं मेडिसिन का पे कर रही हूँ मैं इंसुरेंस का पे कर रही हूँ मैं अपॉइंटमेंट्स का पे कर रही हूँ इसके साथ साथ अभी मेरी डायबिटीज है मेरे को गैस की प्रॉब्लम है और जो मैंने बताया टेंशन वगैरह का डॉक्टर के पास जाओ एक डिप्रेशन की गोली तैयार है कल मुझे और कितनी बीमारियां होंगी मुझे इस चीज का अंदाजा भी नहीं है उसके लिए और मुझे कितना पे करना पड़ेगा और कितना सफर करना पड़ेगा कोई अंदाजा नहीं है इस बात का मैं इनका अहिंसा का सिद्धांत हमको सबसे हृदय लगा जो है भी हृदय अहिंसा का सिद्धांत में इनका नॉन वायलेंट एनिमा इनका पट्टी स्पाइनल सब अहिंसा के सिद्धांत पर ही आधारित है अहिंसा के सिद्धांत को पालन करने से हम स्वास्थ्य का स्तर अपना बढ़ाते हैं जो लोग यहाँ बीमार हैं, मोस्ट ऑफ द लोग वो आए हुए हैं जो सही है उनको उससे भी ज्यादा जरूरत है यहाँ आने की इस लेक्चर को सुनने की क्योंकि ये जो लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है लाइफ पे किया जा रहा है बीमारों के लिए नहीं किया जा रहा आपको ठीक कैसे रहना है ये सिखाया जा रहा है बीमारियां ना आए वो चीज़ सिखाई जा रही है ताकत नहीं था तो हमको कहीं कोई, कोई राह नहीं सूझा हम समझे जे अगर हम मेडिकल साइंस के तरफ जाएंगे तो हमारा जान नहीं बचेगा दवा शरीर हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा जो मेडिकल का दवा है हम जब भी ठीक होंगे तो इसी पैथी से ठीक होंगे हमको इस पर दृढ़ विश्वास था विश्वास जहाँ रहता है वहाँ फलदायी विश्वास हुई करता है सबसे बड़ी बात कोई बुखार होता है कोई खांसी जुकाम कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी होती है उसको बिना बीमारी के कैसे ट्रीट करो आप इस चार दिन के कैंप में वो सिखाया जा रहा है आचार्य जी जो लेक्चर दे रहे हैं वो कुछ ऐसा लेक्चर नहीं लग रहा कि कुछ भी बोले जा रहे हैं वो लाइक कहीं से कोई बुक से पढ़ा और हमें डिलीवर कर रहे हैं एक्सपीरियंस जो मैंने देखा वो उसमें ये भी देखा वो सेवेंटी फ़ाइव के जी की जर्नी से थर्टी फाइव के जी पर आ गए हैं देखने वाले लोग तो डर जाएंगे इतना इंसान अंडरवेट हो गया है ये कुछ करने के लायक नहीं आज हमें क्या डिलीवर करेगा बट द पॉइंट इज़ इसी सेम जर्नी के चलते चलते डाइजीज़ के बॉडी से निकलने के बाद आज वो इतने हेल्दी हैं इतने एक्टिव हैं कि हमारे सामने आते हैं हमें लगता ही नहीं है इतना एज इंसान कोई हमारे सामने खड़ा है सेम मेरे फादर इन लोग मेरे घर पे हैं मेरे फादर मेरे घर पे हैं उनको अगर मैं देखूं उनकी एज और इनकी एज को कंपेयर करूं कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनकी एक्टिवनेस का और उनके आशीर्वाद मतलब ये वाला खाना और ऊपर से पिज्जा बर्कर का छूट जाना कैसे मैनेज करेगा दिमाग इन चीजों को बट जो सब्जियां यहाँ बनाई जा रही हैं जो रोटिया यहाँ खिलाई जा रही ही स्वादिष्ट ऐसा खाना शायद ही हम कभी बना सकते हैं सबसे बड़ी बात अनहेल्दी अ लिटल बिट ऑफ पार्ट भी चीज़ हम उसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं और खा के ऐसा भी नहीं लग रहा है कि हम घी नहीं खा रहे हैं उसमें मसाले नहीं खा रहे हैं या मतलब जो खा रहे हैं बहुत हेल्दी बहुत अच्छा और बॉडी को सेटिस्फाई करने वाली चीज़ें खा रहे हैं हो सकता है किसी को आने के बाद एक दिन लग जाए जाएगी समझने में जैसा मुझे भी लगा था फर्स्ट डे कि यार क्या खाना चल रहा है बट सेकेंड डे इज़ लाइक कि हाँ खाना तो यही है हम अभी तक कूड़ा खाते जा रहे हैं इस भोजन में जो हमको लगा उसके मुताबिक जो इस भोजन में इतना ताकत है गुरु जी कहते हैं जे भगवान की रसोई भगवान की रसोई में ताकत है वो भगवान जैसा बना देते हैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस शास्त्र सम्मत भी है और विज्ञान सम्मत भी है जो राह बताए हैं भोजन सुधार धूप स्नान प्राणायाम

जैसे मैंने आचार्य जी के लेक्चर सुने हैं जिस तरीके से उन्होंने समझाया है कुछ भी गलत नहीं है कुछ भी गलत नहीं हो सकता है मेरी डायबिटीज आज नहीं हो ठीक बेशक से तीन महीने के बाद हो बट वो हंड्रेड परसेंट मेरी अंडर फाइव पॉइंट फाइव आने वाली है मुझे इस बात का बिलीव है रोग का कोई विषात नहीं है रोग का कोई अस्तित्व नहीं है स्वास्थ्य शरीर में ही है गुरु जी के मुताबिक निन्यानवे रोग है एक भी स्वास्थ्य है तो होगा, इसमें कहीं कोई नहीं है। यदि आप भी रोज की खा खा कर या ऑपरेशन करवा कर भी अपनी हेल्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और बिना किसी दवाई या ऑपरेशन के जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ अपने लिए निकालिए जीवन के केवल चार दिन हम आपके स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध हैं धन्यवाद